गाइज गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू द माई न्यू व्लॉग। आई होप के सब ठीक होगे। तो अभी आपको देख रहे होगे कि हमारे पीछे अभी मूंगफली के ढगले कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ढगले थे उसको भी बड़ा करके इकट्ठा करके पलटाया जा रहा है। तो चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो पहले सबको हॉरर महादेव, आई होप के सब ठीक होंगे। तो चलो चलते हैं। तो ये अभी आप देख ही सकते होगे कि मूंगफली के बड़े बड़े जो ढगले हैं, इसमें यह होता है कि जो छोटे छोटे ढगले थे तो वो भी ऊपर से सूख जाते हैं, तो नीचे से सूखते नहीं है बहुत जल्दी। तो उसको पलटा के इसे बड़े बड़े ढगले में वो कन्वर्ट किया जाता है, और बाद में उसको मूंगफली निकालने के लिए थ्रेसर बुलाया जाता है। जिससे छोटे छोटे ढगले हो तो क्या होता है कि भरने में भी परेशानी होती है, तो ले जाने में भी। तो बड़े ढगले हो तो या एक ही जगह पर एक ही तरह के पूरी तरीके से भर जाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और बजे 9:30, काम चल रहा है अभी। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अभी हमने गाय भैंस को पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, खेत में पानी चल रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको पानी पिला देते हैं पाइप से। तो और यहाँ पे हमारे बाजू के खेत में अभी खेड़ हो चुके हैं और वो थोड़े दिनों में इसका कपास की भी तैयारी कर देंगे बोने की। तो अभी गाय भैंस गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा धूप से बचाया जा सकता है गाय भैंसों को। तो इसकी वजह से थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे, फिर इसको ले लेंगे वहाँ पे। तो पानी स्टार्ट कर दे। और वैसे भी अगर जो पानी इसमें नीचे जाए तो यहाँ पे तो क्या होता है, हमें फ़ायदा ही रहता है। पानी जितना पानी इसके अंदर रहेगा तो उसके इसमें जो ये जो सूखा हुआ सारा होता है, जो बसा हुआ उसका हिस्सा होता है, तो वो छड़ जाता है। पानी की वजह से छड़ने में अच्छा होता है, तो इसकी वजह से खाद में बहुत ज़्यादा जल्दी इसका कन्वर्ट हो जाता है। क्या वो कहते हैं ना कि कंपोस्ट किया जाता है, हाँ कंपोस्ट कहते हैं ना वो सब। मतलब इसमें तो अभी कुछ होता नहीं है, गोबर होता है, फिर सूखा हुआ जो भूसा के सारा का बसा हुआ भाग, फिर एरेंडा का जो बसे हुए जो भाग था वो कचरा वो डाल के इसमें गाय भैंसों इसको बांधा जाता है। तो बैठने के लिए भी रहने के लिए भी एकदम स्मूथ होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बांधा जाता है।
तो ज़्यादातर ये गायों भैंसों के जहाँ पे भैंसें होगी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ गायों गाय इसकी गाय की वजह यह है कि गाय जो होती है वो एकदम क्लीन होती है, सो एकदम उसको ज़्यादा कचरा या फिर कीचड़ वो पसंद नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसको नहीं रखा जाता है। का टाइम हो गया है और जो कल भी मूंगफली निकालनी है, तो मूंगफली निकालने से पहले की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हम आपको अभी बता रहे हैं कि जो सुबह में हमने बताया कि चलो पात्र जो ढकले थे उसको दो ढकले में से एक ढकला किया, मतलब बड़ा ढकला किया, छोटा ढकले में से बड़ा ढकला। फिर बाद में उसकी प्रोसेस क्या होती है कि वो पूरा दिन सूख जाता है तो उसको फिर कुछ करना नहीं जाता। लेकिन अभी जहाँ पे थ्रेसर रहता है और थ्रेसर माने मूंगफली निकालने का इंस्ट्रूमेंट, मूंगफली जिससे निकलती है, मूंगफली हो, बाजरा हो, तल या वैसे भी कुछ जो इसको कहते हैं, जो जिसको थ्रेसर कहते हैं, तो उसको निकालने से पहले ये होता है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा एक ग्राउंड की तरह बनाया जाता है एक लेवल पे, जैसे थ्रेसर अच्छी तरह से रह पाए, तो उसको अच्छी तरह से फिर करके बनाया जाता है। चलो हम आपको ये बताते हैं और कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। तो अभी ये पहुंच गए, देखो यहाँ पे एक लेवल पे अच्छी तरह वो कर रहे हैं हमारे पापा ट्रैक्टर से, और जो पीछे है वो बिजली का पोल का टूटा हुआ हिस्सा है उससे, क्योंकि वो वजन में बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको अच्छी तरह चला के देखो यहाँ पे